अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं उमैर अनवर आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लेट्स एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन। तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फलदार पौधों के लिए देसी खादों का इस्तेमाल। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी दोस्तों आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनवर साहब। तो आइए इनसे जानते हैं कि फलदार पौधों के लिए देसी खादों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, आप हमें अब ये बताएं कि फलदार पौधों के लिए देसी खादों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि फलदार पौधों के लिए देसी खादों की बड़ी अहमियत है। खादें डालने का सही वक्त, तरीक़ाकार, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर बेवक्त खादें डाली जाएं तो भी फ़ायदा नहीं होता। तो आइए हम बताते हैं आपको। गोबर की खाद, जिसे हम रूढ़ी भी कहते हैं, गोबर की खाद ज़मीन को भुरभुरा करती है। ज़मीन की साख्त बेहतर करने के अलावा पानी जज्ब करने और गज़ाई अनासर को अपने अंदर समोने की सलाहियत बढ़ाती है। खाद अच्छी तरह गली सड़ी और खुश्क होनी चाहिए। ताज़ा गोबर की खाद इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये दीमक पैदा करने का बायस बनती है। गोबर की खाद तरशावा बगात को फूल आने से 2 माह कबल, जबकि आम के बगात में दिसंबर या जनवरी में डालें। फास्फोरस और पोटाश देर तक पौधे की जड़ों के करीब मौजूद रहती है और ज़मीन में आस्था सरायत पजीर होती है, लिहाजा फास्फोरस और पोटाश की पूरी मकदार गोबर की खाद के साथ डाल दें। तो आगे एक और देसी खाद हम डालते हैं, पोल्ट्री फार्म की खाद जो हम लाते हैं बहुत। तो मुर्गियों के फजला में नाइट्रोजन की काफ़ी मकदार पाई जाती है। मुर्गियों के फजले में 4% नाइट्रोजन, 1.26% फास्फोरस और 0.86% पोटाश पाई जाती है। इसलिए तरशावा फलों में मुर्गियों का फजला बतौर खाद इस्तेमाल की जा सकती है। पोल्ट्री फार्म की खाद में नाइट्रोजन की मकदार ज़्यादा होने की वजह से इसको किसी दूसरी नामियाती खाद के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पौधे मुज़र असरात से बच सकें। तो ये आम सी आपको तजावीज़ देते हैं कि बगात के लिए जो पौधा 1 से 3 साल का है उसके लिए आप डालेंगे 10 से 30 किलोग्राम खाद, और आम के लिए 5 से 15 किलोग्राम, अमरूद के लिए 10 से 20 किलोग्राम खाद। तो 4 से 6 साल के पौधे जो हैं उनके लिए तरशावा बगात के लिए आप 40 से 50 किलोग्राम, आम के लिए 30 और अमरूद के लिए 25 से 40 किलोग्राम। 7 से 10 साल के जो पौधे हैं उनके लिए आप 50 से 60 किलोग्राम तरशावा बगात के लिए, 40 से 60 किलोग्राम आम के बाग के लिए और 40 से 50 किलोग्राम अमरूद के लिए खाद डालेंगे। 10 साल से ज़्यादा 60 किलोग्राम तरशावा बगात के लिए, 50 से 120 किलोग्राम आम के लिए, अमरूद के लिए 50 किलोग्राम खाद डालेंगे। ये पोल्ट्री फार्म की खाद की बात कर रहा हूँ मैं। आगे सब्ज़ खाद है। सब्ज़ खाद ज़मीन में नामियाती मादा में इजाफा करके ज़मीन की पैदावारी सलाहियत बढ़ाती है। मुख्तलिफ़ फसलात खुसूसन फलीदार जमात बतौर खाद काश्त करने से 10 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन फ़ी एकड़ हासिल होती है। सब्ज़ खादों में गवारा, सान, जंतर, सेंजी, शफ्तल और बरसेम वगैरह काश्त करते हैं। ये फसलें फूल आने से पहले ज़मीन में दबा देनी चाहिए ताकि ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। खाद डालने से पहले तने के इर्द गिर्द 1.5 से 2 फुट मिट्टी के दौर बना दिए जाएं। खाद डालने के बाद हल्की गोड्डी करें। खाद डालने के बाद पानी लगाएं। गोबर की कच्ची खाद ना डालें। पोल्ट्री फार्म की खाद को हसबे ज़रूरत मिट्टी या जस्म में मिलाकर इस्तेमाल करें।
सब्ज़ खाद के लिए फलीदार फसलात को फूल आने से कबल ज़मीन में दबा दें। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।